भी नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है ठाकुराइन, कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आप उन्हें मंगा लीजिएगा। नमस्ते ठाकुराइन। माँ के कमरे में डॉक्टर का करने गया था, माँ को कछु हो गया का? कहो डॉक्टर साहब, माँ तो ठीक है ना? उनको कुछ नहीं हुआ, आपकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा चोट नहीं आया है, वो अब बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। ये सब आप ही का गलती है देवर जी। अरे कहाँ जरूरत थी वो लड़की को काम धाम पे लगाने की? अरे वैसे ही उसमें जान नहीं है। नई देवरानी जी के लिए पानी लेकर जा रही थी, सीढ़ी से लुढ़क पड़ी। अरे आप नई देवरानी के लिए कोई नई नौकरानी रखी ना सेवा में? क्या हुआ भाभी, कुछ ज्यादा चोट लग गया का? की ले ओ। अरे आपको काहे चिंता हो रही है लड़की की? शादी करना चाहते मरती से चिंता करते हैं बिट्टो की? अरे बाहर वाली घर वाली का चक्कर तो हमारे को समझ नहीं आता। कहीं वो दक्षिण टोला वाली पर दिल तो नहीं आ गया आपका? आप फालतू का बात करिए माँ, हम तो उसको देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अभी तो देखना पड़ेगा ना, ये कौन सा नौटंकी कर रही है? आप जो कह रहे हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है, पर आपका आंख तो कुछ और ही बोल रहा है। आपकी आंखों में तो बहुत चिंता नजर आ रहा है तेवर जी। आप बात को ना माने देवर जी, हमें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे अंदर मत आना।
मरते मरते बची है आज हमारी बहू, और इस सब तुम्हारी वजह से हुई। तुमको इतना परेशान करके अब दिखावे के लिए चिंता का नाटक काहे कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ। कभी पार लगा तेरे नजर, आखिर चाहती कहो ये आज हमको बता दो। ऐसा कहाँ हो गया? हम तो यहाँ पे वही कर रहे हैं ना जो हमें करने को कहा गया है। अरे नाच गाना एक कोठरी से उठाकर हवेली में गा ले आए, ज्यादा हवा मत उड़ो। दान से माने का सुपारी नहीं दी तो अरे तुम्हारे बिटा कलम का चीज है कि नहीं? अगर बिट्टो कछु हो जाता तो अच्छा हो जाता का मतलब क्या? बड़ा हवेली में तो कोई भी उड़ना चाहेगा ना। बाकी आपका इरादा हमें नेक नहीं लग रहा। जिसको घर से निकालना चाहता है उसी के लिए इतनी चिंता? इमारती, इससे पहले कि तेज बाबू दिल के रोगी हो जाए जल्दी से कुछ उपाय निकाल ले। और इसके लिए तुझे तेज बाबू के दिमाग में ये बात बिठाना होगा कि बिट्टू को उनसे ज्यादा उनके धन दौलत में चिंता है। इमरती उठो, इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो, देखो कौन है। इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो। कौन है? चोट लगी थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई का? ये चाय काहे लेकर आए? थोड़ा आराम करना चाहिए था ना? चाय हम ले आते। पति की सेवा करना और उनका कहा मानना ही पत्नी का धर्म होता है। हम चाहे किसी भी हाल में रहें, पति के आदेश का पालन तो करेंगे ही ना?
वहां खड़ी खड़ी कहां कर रही हो? चाय पिला हमका। अरे देख के चलो, नहीं तो तुम भी नीचे गिरोगी। लाओ चाय दो। साथ इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं लड़की अब जगह बना चुकी है, इसलिए इनके दिमाग को तो साफ करना ही पड़ेगा। और इनके दिल में उतरने के लिए पहले इन घर के लोग के दिल और दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा। वो बक्सा उठाकर रसोई में रख दो। कांता, शाम को उद्यापन के लिए जो सामान मंगवाए थे वो रहने देना, बहू की तबीयत खराब है, वो ई व्रत नहीं रखेगी। बिट्टो यहाँ। डॉक्टर साहब ने तुमको आराम करने को कहा था, तो तुम अपने कमरे से बाहर काहे निकली? जी, कौनो बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पर जो जिम्मेदारी है वो तो निभाना ही होगा ना। ठीक है बहू रानी, लेकिन अब जाओ अपने कमरे में और नाश्ता कर लो। हमने तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही रखवा दिया है। और हाँ, नाश्ता करके दवाई सही समय पर ले लेना। कांता। माँ जी, आज हम कैसे कछु खा सकते हैं? भूल गई का? पापी ने तो कहा था इनके ग्रह दोष के लिए हमें आज निर्जल व्रत रखना होगा। वो सब तो ठीक है बहू, मगर तुम ही व्रत कैसे रख सकती हो? तुमको दवाई भी तो खानी है ना, और बिना खाए पिए दवाई कैसे खा सकती हो? नहीं, हम तुमको व्रत नहीं रखने देंगे। माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं, और वैसे भी हमने होने वाले पति के लिए ग्रह दोष का व्रत रखना अब हमारा काम है। माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज ही व्रत हम ही रखेंगे। व्रत रखना एक पत्नी का धर्म होता है, और जो औरत दूसरी औरत का ही हक छीनती है ना, तो एक गिरी हुई औरत ही हो सकती है। अच्छी औरत बनने का कोशिश मत कर। तुम ये व्रत नहीं रख सकती। माँ जी अब तो कुछ भी बोल देती है, ये मरती कोई गिरी हुई औरत थोड़े ही ना है, और ना ही सब कामों दिखावे के लिए कर रही है। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने होने वाले पति के लिए तो कर रहे हैं, और ऐसा का है व्रत में जो हम नहीं कर सकते? माँ जी हम ही व्रत रखेंगे, आप बस हमें बता दीजिए। ठीक, तुम ये व्रत रखना चाहती हो तो अब इस व्रत के नियम भी सुन लो। ये एक निर्जला व्रत है, और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक उद्यापन नहीं हो जाता ना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। और हाँ, इतना ही नहीं, पूरे दिन में 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना होगा। अब काहे चुप हो गई? अरे ऐसा भी का बात है माँ जी, अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकेगी तो क्या करेगी? अरे काहे फंसा रही हो हमको जिठानी जी? हमारे पति पर डोरे डाल रही थी ना, लो अब झेलो। आप चिंता मत करिए माँ जी, मरती पर जरूर करेगी। हाँ, इमरती रखेगी ना ये व्रत? चलो वो चल के नाश्ता करो, ऐसी हालत में तुमको भूखा नहीं रहना चाहिए।
मैं भी देखूंगी कि तुम ये व्रत कैसे रखती हो। उफी गली तो नहीं मरती, घर वालों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारती, अब तू नहीं बचेगी मरती। अरे चक्कर काटना बंद करो नहीं तो तुम्हारा सांस फूल जाएगा। और अगर सांस फूल गया ना तो तुमको प्यास लगेगा और आज का दिन तो तुम एक भी बूंद पानी नहीं पी सकती हो। लेकिन चिठानी जी बस सच में व्रत में पानी नहीं पी सकते? पानी पीना तो दूर, पानी को तो देखना भी पाप है। वो सब छोड़ो, ये किताब लो, इमाम महामृत्युंजय जाप है, इसको तुमको 1000 बार जप करना है। 1000 बार और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक मुद्यापन नहीं हो जाता एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता। नहीं नहीं, चाहे हमारी जिंदगी पर कितना भी बड़ा मुसीबत काहे नहीं आए, इनका जिंदगी के लिए हम ये व्रत जरूर रखेंगे।